लोकसभा चुनाव के बाद अब इंडी गठबंधन विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहा है, जहां राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी तेज हो चली है। इसी बीच अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के निशाने पर राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर साधा निशाना। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में जाएंगे विजयवर्गीय। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत करते हुए अलग अलग मुद्दों पर अपनी बात रखी है। वहीं जब विजयवर्गीय से राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने को लेकर सवाल पूछा गया तो विजयवर्गीय ने इसका जवाब देते हुए कहा कि वो बच्चे हैं, वह सभी को लोकसभा में बैठने का उत्साह रहेगा कि पता नहीं कब क्या बोलेंगे और कब हंसी का माहौल हो जाएगा। नहीं, अब अच्छा है, वहाँ पर लोगों को विधानसभा में लोकसभा में बैठने का उत्साह रहेगा कि पता नहीं कब क्या बोलेंगे, कब हंसी का माहौल हो जाएगा। अब ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने एनालिसिस किया, उनका मत हो सकता है। इसी के साथ मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि हमारे लिए प्रधानमंत्री का शपथ समारोह इम्पोर्टेंट है, तीसरी बार वह प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। देखिए, हमारे लिए प्रधानमंत्री जी का शपथ समारोह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीसरी बार देश के वो प्रधानमंत्री बन रहे हैं जनता के आशीर्वाद से, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद पहले दूसरे प्रधानमंत्री हैं वो जो तीसरी बार शपथ लेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के बाद अब इंडी गठबंधन विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहा है, जहां राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की तैयारी तेज हो चली है। इसी बीच अब कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, इंदौर।